वो उदयपुर नाम का गांव है। उसमें प्रताप नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। एक दिन प्रताप घर के बाहर बैठकर, पता नहीं कितनी भी मेहनत करूं ज्यादा कमा नहीं पा रहा हूं। लगता है कमाने के लिए भी किस्मत होना चाहिए। यूं दुखी हो रहा था। इतने में उसकी पत्नी आकर, ओ जी घर पर खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है जी, कुछ तो लेकर आइए जी। ठीक है मैं कुछ लेकर आता हूँ। यूं निकल रहा था तो प्रताप का पड़ोसी सहदेव ये सब देखते हुए, क्यों प्रताप कहीं जा रहे हो? हाँ सहदेव, घर पर सामान नहीं है ना, खरीदने के लिए बाजार जा रहा हूँ। खरीदने जा रहे हो? कई साल से देख रहा हूँ तुम तो अपने परिवार के भी ठीक से पालन पोषण नहीं कर पा रहे हो। घर पर आए सभी लोगों को कुछ ना कुछ देते ही रहते हो, वो सब जरूरी है क्या? जितना मेरे पास है उतने में देने में क्या हर्ज है? देखो भाई मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ, सबको मदद करना अच्छी बात नहीं है। आप मुझे ही देख लो ना, मैं किसी की मदद करता हूँ ना कोई मुझसे पूछता है। आज देखो मेरे पास कितने पैसे हैं। ठीक है सोचूंगा, कहकर चला गया। फिर प्रताप जंगल में जाकर लकड़ी तोड़कर उसे बेचकर उससे मिले पैसों से चावल और कुछ सब्जियां खरीदकर घर पर पत्नी को दिया। ये लो जंगल से लकड़ी तोड़कर लेके आए हो? ओ जी सुबह वो हमारा पड़ोसी सहदेव आपसे वैसे बात किया तो मुझे बहुत बुरा लगा और आपने उसे कुछ कहा ही नहीं। उसके जीने का तरीका अलग है और हमारे जीने का तरीका अलग है, हम कुछ कहेंगे तो वो थोड़ी ना बदल जाएगा। खैर छोड़ो बहुत भूख लग रही है, जल्दी से कुछ बना दो। पत्नी ठीक है कहकर अंदर जाकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद, ओ जी खाना तैयार है। उतने में एक साधु वहाँ आकर, भिक्षाम देही। प्रताप बाहर आकर, आइए स्वामी जी ठीक समय पर आए हैं, आइए आइए, कहते हुए उस साधु को घर पर बुलाकर खाना परोसा। वो साधु खाना खाने के बाद प्रताप से, बेटा आप लोगों ने खाना खाया है क्या? हम बाद में खा लेंगे स्वामी। स्वामी को प्रताप के परिवार का किया त्याग का अंदाजा होने के बाद, बेटा प्रताप मेरी भूख को तुमने मिटाया, अब तुम ना भी बोलो तो तुम्हारा भूख को मिटाना मेरा फर्ज है, कहकर उसे टैप दिया। देखो प्रताप ये एक मैजिकल नल है, उसे जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें देगी, लेकिन तुम्हें वही चीज मांगना होगा जो इस टैप से निकल सके, ध्यान रहे, कहकर वहाँ से चला गया। प्रताप और उसकी पत्नी फिर ठीक से सोचकर पेट्रोल का व्यापार शुरू करने का विचार किए और उससे पेट्रोल मांगे। बस उस टैप से भर भर कर पेट्रोल आना शुरू हुआ। तब प्रताप पेट्रोल को एक टैंक में भरकर शहर में जाकर उसे बेचा। इससे अच्छे पैसे मिलने की वजह से प्रताप और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। ओ जी अब तो आपका अच्छा व्यापार भी है, अब जरा सोना भी पूछ लीजिए ना। मायावी टैप, मुझे सोने का व्यापार करने के लिए कुछ छोटे छोटे सोने के सिक्के दो ना। मांगा, बस फिर उस टैप से नॉन स्टॉप गोल्ड सिक्के निकलने लगे। प्रताप उनमें से कुछ सिक्कों को ले जाकर उन्हें पिघलाकर अपने पत्नी के लिए सोने के जेवरात बनवाया, बाकी के सिक्कों से व्यापार शुरू किया। प्रताप का पड़ोसी सहदेव एक दिन, ये प्रताप बिना कुछ करे अचानक इतना अमीर कैसे बन गया, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, सोचकर उस रात खिड़की से देखा तो उस मायावी टैप से सोना निकला। ओहो तो ये राज है, सोचते हुए उस रात बिना किसी को दिखाई दिए उस टैप को चुरा लिया। तब घर आकर, आहा अब मैं इस मैजिकल टैप से बहुत अमीर बन जाऊंगा। और वो मूर्ख प्रताप तो उससे छोटे छोटे सिक्के ही मांग रहे हैं, लेकिन मुझे तो अंबानी से भी बड़े आदमी बनना है। यूं सोचकर, मैजिकल टैप, मुझे बड़ा सा बंगलो विद स्विमिंग पूल और 10 गाड़ियां, घर भर कर नौकर, एक ग्रेनेड का पहाड़ और एक छोटे सोने का गुफा चाहिए। बस तब वो मैजिकल टैप से एक आवाज आई, स्वार्थी सहदेव तुम तो एक गधे हो, मुझसे जो निकल पाए वही चीज की ही मांग कर सकते हो ना मूर्ख, अब तुम्हारे स्वार्थ की यही सजा है, अब तक जो तुमने कमाया वो सब चले जाएगा, तुम्हें फिर से मेहनत करके कमाना होगा, कहते हुए गायब हो गई। अरे अरे ये क्या हो गया, कहकर दुखी हुआ। सोने का बैल। बहुत साल पहले भरनी द्वीप नामक राज्य का शासन अशोक वर्मा नाम का राजा करता था। उनके राज्य में लोगों की सुविधा के लिए
कई मुफ्त योजना लागू किए गए थे जिसके कारण वहाँ की प्रजा बहुत खुश थी। एक दिन एक सन्यासी राजमहल आया। उसे देख महाराज ने उठकर प्रणाम किया। अशोक वर्मा, प्रणाम मुनिवर, कोई अति आवश्यक काम ही आपको यहाँ लाया है। सूचना देते तो मैं स्वयं आपके पास आ जाता। कहिए मुनिवर, क्या काम है? सन्यासी, अशोक वर्मा, मैं जानता हूँ कि आप अच्छे व्यक्ति हो, पर मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हारे शासन में ईमानदारी कम होती जा रही है, प्रजा में लालच और ठगी बढ़ रही है। मैं ये बताने आया हूँ कि आप पता करें कि कमी कहाँ है। अशोक वर्मा, क्षमा करें मुनिवर, आपको गलतफहमी है। मैं पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि प्रजा को किसी भी चीज की कमी ना हो, उनके मन में लालच और धोखाधड़ी जगह करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सन्यासी, ठीक है, मैं जानता हूँ कि आप जब तक अपनी आँखों से नहीं देखेंगे विश्वास नहीं करेंगे। मैं जैसा कहता हूँ करें, कहकर राजा जी के कान में कुछ कहा। अगले दिन एक सिपाही ने ऐलान किया, सुनो सुनो सुनो, सबको ये सूचित किया जाता है कि महाराज ने ये घोषणा जारी किया है कि जो भी उनके दिए गए बैल को सोने के बैल के रूप में बदल देगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। सुनो सुनो सुनो, कहकर ढिंडोरा पीटने लगा। अगले दिन राजमहल के बाहर बहुत सारे बैल थे। वहां प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भी बहुत थे। महाराज, मुझे खुशी है कि आप लोग इस प्रतियोगिता में भाग लेने आए। हर एक को एक बैल दूंगा। इनमें से एक बैल 10 दिनों में सोने के बैल में बदल जाएगा। 11वें दिन आप इन बैलों को लेकर यहाँ मेरे पास आएं। जो इस बैल को मुझे सौंपेगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। ले जाएं। इस तरह सब एक एक बैल लेकर घर चले गए। अगले दिन एक आदमी अपने घर के बाहर बैल को घास डालता हुआ, ये निकम्मा बैल, जितना घास भी डालो अम्बा अम्बा कहता हुआ खा जाता है। इससे कितना खिलाऊं? खाओ खाओ, सोने के बैल में नहीं बदले ना तो टांगे तोड़ दूंगा। दूसरा, मेरा ख्याल है कि ये बैल ही सोने का बैल है, क्योंकि बचपन से ही मैं भाग्यशाली रहा हूँ। इस तरह 10 दिन बीत गए पर कोई भी बैल सोने के बैल में नहीं बदला। एक व्यक्ति, 10 दिन बहुत खा गया, ये जाने बिना कि तुम एक साधारण बैल हो मैंने तुम्हें खूब खिलाया, मेरे पैसे व्यर्थ हो गए, कुछ ना कुछ करके इसे सोने के बैल में बदलना पड़ेगा। ऐसा सोचा और उस बैल को सोने के रंग में रंग दिया। एक और व्यक्ति भी सोने का रंग डालकर, वाह बिल्कुल सोने के बैल की तरह दिख रहा है, कोई भी नहीं पहचानेगा, सब मेरे जैसे बुद्धिमान कहाँ हैं। इस तरह हर कोई सोने का रंग चढ़ाकर बैल को लेकर राजमहल पहुंचा। सिर्फ एक साधारण बैल को लेकर आया, वहाँ सन्यासी भी थे। महाराज, आश्चर्य है, शायद मैं गलत था, सारे बैल सोने के हैं। लोग, हाँ महाराज हाँ, सोने के बैल हैं, सारे सोने के बैल हैं, हमारा इनाम हमें दे महाराज। तब महाराज के आदेश अनुसार सैनिकों ने बैलों के ऊपर पानी डाला, फिर क्या, उन सब के रंग उतर गए और साधारण बैल में बदल गए। सन्यासी, महाराज आपने स्वयं देखा ना कि ये कितने लालची हैं, लेकिन इसमें भी एक आशा का किरण ये है कि अभी भी कुछ ईमानदार लोग हैं, इसका ये व्यक्ति प्रमाण है। सबकी तरह लालच ना कर बैल को वापस ले आया। महाराज, मैं समझ गया कि इन लोगों के ऐसे बदलने का कारण मैं ही हूँ। इन लोगों के भलाई के लिए मैंने मुफ्त योजना लागू किया था, लेकिन इससे ये लोग आलसी हो गए और मेहनत करना बंद कर दिया, लालच धोखाधड़ी जैसे गलत रास्ते पकड़ने लगे। मुझे क्षमा करें मुनिवर। तब भीड़ में से एक, हमें क्षमा करें महाराज, हमें खेद है कि हमारे कारण आपको शर्मिंदा होना पड़ा, अब से कभी ऐसा नहीं करेंगे, मेहनत से काम करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। तब लोग, महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय का नारा लगाया। फिर सब मेहनत से काम कर खुशी से रहने लगे। तो बच्चों, मेहनत ना कर दूसरों को धोखा देने की सोचना
गलत है, अच्छी लगी। बूढ़ी के बाल वाला। मिदिनापुर नाम के गांव में नारायण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बूढ़ी के बाल बेचकर गुजारा करता था। बूढ़ी के बाल ले लो, मीठे मीठे बूढ़ी के बाल, कहकर साइकिल पर बेचता था। स्कूल के पास आधी छुट्टी के समय पर बूढ़ी के बाल बेचता था, बाकी समय गांव भर घूमता हुआ बूढ़ी के बाल बेचता था। बच्चों के पास पैसे ना होते तो मुफ्त में भी देता था। चाचा चाचा, आज मेरे पास पैसे नहीं है, कल दूंगी, क्या तुम मुझे बूढ़ी के बाल दोगे? जरूर, ये लो, कल ही देने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास जब हो तब देना, पर पढ़ाई में ध्यान देना, अच्छी तरह पढ़कर अच्छे नंबर लाना मत भूलना। वो बच्ची खुश होकर वहाँ से बूढ़ी के बाल लेकर चली गई। घर पर उसकी पत्नी, यूं उधार देते रहोगे तो कैसे चलेगा? घर पर शादी के लायक एक बेटी है, क्या तुम भूल गए? अपनी बेटी की शादी कैसे करोगे? भगवान ही जानता है। बच्चे भगवान के रूप होते हैं, कुछ बच्चे गरीब होते हैं, उनका भी बूढ़ी के बाल खाने का दिल करता होगा ना? पैसे होंगे तो लाकर दे देंगे, चिंता ना करो। रही बात बेटी की शादी की, मैं भी सोच ही रहा हूँ, भगवान ही कोई रास्ता दिखाएगा, यही उम्मीद है। सब कुछ आप करते हो और ऊपर से भगवान पर छोड़ देते हो, आप कभी नहीं सुधरोगे, सब मेरी किस्मत है। एक दिन उस गांव में दूसरे देश से एक व्यापारी रुपए के संदूक के साथ आया। वो नारायण के पास आकर, भैया मुझे बूढ़ी के बाल बहुत पसंद है, हमारे देश में ये नहीं मिलता, मुझे एक देना, कहकर उसने पैसे दिए। नारायण ने उसे एक पकड़ाया, उसे खाकर वो व्यापारी, वाह बहुत बढ़िया है, खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं, एक और देना, कहकर उसने एक और बूढ़ी के बाल ले लिया। उसके बाद वो व्यक्ति संदूक को वहीं पे भूल कर चला गया। शाम को घर लौट रहे नारायण को संदूक दिखाई दिया, उसे लेकर वो व्यापारी को इधर उधर ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं दिखाई दिया। फिर वो संदूक लेकर घर आया और जो बीता सब अपनी पत्नी को बताया। संदूक खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे रुपए थे। वाह क्या किस्मत है, लक्ष्मी जी स्वयं हमें ढूंढते हुए आई है, अब हमारी परेशानियां सब दूर हुई समझो। क्या कह रही हो तुम, ये हमारे पैसे नहीं है, वो पता नहीं कौन है बेचारा, भूल कर चला गया। जो रुपए अपना नहीं है उसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए, वो गलत है। ये सही गलत सोचने का समय नहीं है, इतने रुपए तुम जिंदगी भर नहीं कमा सकते, इससे अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं, मेरी बात मानो। नहीं, मैंने कहा ना कि ये रुपए हमारे नहीं है, मेरी बात मानो। इस बात से नाराज होकर पत्नी वहाँ से चली गई। राजा के दरबार में वो व्यापारी, महाराज मैं कारोबार के लिए 10 लाख लेकर आया था, पर वो संदूक कहीं गुम हो गई है, अगर वो रुपए ना मिले तो मैं और मेरा परिवार बर्बाद हो जाएंगे, कृपा करके मेरा संदूक मुझे दिला दें। क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि इतना धन जब पास हो तो लापरवाही नहीं होनी चाहिए? वैसे हमारे देश के नागरिक बहुत ईमानदार हैं, तुम्हें तुम्हारा धन जरूर मिलेगा, जरा धीरज रखो। सिपाहियों तुरंत राज्य भर में ढिंडोरा पीटो। एक सिपाही, सुनो सुनो सुनो, एक विदेशी व्यापारी का संदूक गुम हो गया है, उसमें 10 लाख रुपए हैं, उसे देने वाले को महाराज अच्छा इनाम देंगे, सुनो सुनो सुनो। नारायण ने वो ऐलान सुना, वो तुरंत संदूक को लेकर राज दरबार जा पहुंचा। महाराज कल ये मेरे पास आकर बूढ़ी के बाल खाकर संदूक वहीं पे भूल कर चले गए, मैंने इन्हें बहुत ढूंढा पर कहीं दिखाई नहीं दिए, ये ऐलान सुनकर मैं यहाँ आया हूँ, ये लीजिए महाशय, देख लें कि आपके रुपए पूरे हैं कि नहीं। व्यापारी ने बक्सा खोलकर पैसे देखे, बिल्कुल पूरे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ईमानदारी का कोई मोल नहीं, ये लें 1 लाख रुपए, ये मेरी तुच्छ भेंट है। नारायण वाकई तुम जैसे व्यक्ति को देखकर बहुत खुशी होती है और साथ साथ गर्व भी, तुमने अपने देश की लाज रख ली, इस इनाम के साथ मैं भी तुम्हें 5 लाख देता हूँ, स्वीकार करो। इस तरह उन रुपए से नारायण ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की।